नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज किस कमाल की वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल टेक पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन मेरे भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो कि YouTube पे काम करते हैं, यानी कि एज ए क्रिएटर। अगर दोस्तों आप भी YouTube पे वर्क करते हो, आपका भी YouTube पर कोई भी एक चैनल है, तो फिर आपको ये वीडियो पूरा अंत तक जोर से देख लेना चाहिए दोस्तों, खास करके उन लोगों के लिए। ये वाली जो मैं अपडेट यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों, अपडेट मतलब इतनी बड़ी कोई अपडेट भी आप नहीं समझ सकते हो, एक एडवाइस मान लीजिए दोस्तों। एडवाइस यहाँ पे ये देने वाला हूँ कि भाई जिन जिन लोगों का यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन अभी तक नहीं हुआ है, वो लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा यार कि क्या क्या यहाँ पे मैंने बोल दिया है, वो सारी बातें आपकी समझ में नहीं आने वाली है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि भाई YouTube ने बोला था पहले कि भाई 30 तारीख तक, जो पिछली 30 तारीख निकल के गई है उसके बोला था कि भाई 30 तारीख तक सभी का एटलीस्ट या तो रिव्यू के लिए अंडर रिव्यू गया था पहले, तो या तो दोस्तों मोनेटाइजेशन ऑन हो ही जाएगा या फिर नहीं होगा, या फिर दोस्तों एडिशनल रिव्यू के लिए चला जाएगा। मगर दोस्तों यहाँ पे कुछ, मेरा भी एक चैनल है जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे ना तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, जबकि मेरे चैनल पे 15,000 घंटे से भी ऊपर हैं। YouTube ने बोला था दोस्तों 4,000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के लिए, और दोस्तों वो बिल्कुल लीगल तरीके से, तो मैंने यहाँ पे लीगल तरीके से बिल्कुल 15,000 घंटे को पूरा कर लिया है, और दोस्तों व्यूज बहुत ज्यादा है और सब्सक्राइबर तो आपको पता है कितने हैं। तो मेरे मतलब यहाँ पे दोस्तों केवल 15 घंटे हैं। एक चैनल मैंने और देखा था जिसका मुझे नाम यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, 1,00,000 घंटे दोस्तों वहां पे पूरे हो चुके हैं, जबकि दोस्तों 4,000 घंटे और 1,00,000 घंटे कितने होते हैं आप जानते हैं, 1,00,000 घंटे उनको वहां पे पूरे हो चुके हैं, मगर फिर भी उनका अंडर रिव्यू दिखा रहा है दोस्तों। ना तो मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, ना ही दोस्तों ऑफ हुआ है, ना ही दोस्तों एडिशनल रिव्यू के लिए गया है, मतलब वहां पे दिखा रहा है अंडर रिव्यू, और दोस्तों वहां पे लिखा आ रहा है मतलब योर मोनेटाइजेशन इन इनेबल विद इन 1 month। दोस्तों पहले यही लिखा हुआ आ रहा था जब आप अपने माय चैनल पे जाके, सॉरी मतलब वीडियो मैनेजर पे जाके चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो वहां पे आपको दिखाता था विद इन 1 week, मगर दोस्तों फिलहाल ये दिखा रहा है विद इन 1 month। दोस्तों वो कौन सी आप गलती बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, वो कौन सी गलती है जिनको हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों 30 तारीख आने वाली है, आज है दोस्तों शायद 27 तारीख, तो वही 27 तारीख हो गई है, तो 30 तारीख ही बोला YouTube ने कि भाई 30 तारीख को हम सभी का मोनेटाइजेशन या तो ऑन कर देंगे या फिर दोस्तों ऑफ कर देंगे, मगर दोस्तों यहां अभी तक कोई भी न्यूज सामने निकल के नहीं आई है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है 30 तारीख से पहले पहले, वो आपको यहां पे बताता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये वीडियो, मेरी वीडियो देखो आप, ये फेस कैम वीडियो है, तो दोस्तों आपको भी ऐसी कोई फेस कैम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करनी है। नंबर वन दोस्तों यही एक मेन कारण है YouTube मोनेटाइजेशन को लेकर, यार बहुत से ऐसे चैनल हैं जिन्होंने कभी भी YouTube पे अपनी फेस कैम वीडियो अपलोड नहीं की है, तो YouTube को पता नहीं चल पा रहा है कि भाई ये इनका ही आवाज है, इनका ही चैनल है, इनका ही कंटेंट है या फिर दोस्तों नहीं है, तो इसको वो पहचान लेगा कैसे, आपको जो पुरानी आवाज है, पुरानी वॉइस है, पुरानी वीडियो है जो जिसमें वॉइस आपकी, और अब आप वीडियो अपलोड करोगे, दोनों को कंपेयर करके देखेगा कि भाई एक ही आदमी की आवाज है या फिर दोस्तों नहीं है, तो उनको लगा कि भाई एक ही आवाज है, एक ही वॉइस है, सब कुछ है, तो आपका आसानी से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि 30 तारीख की YouTube ने बोला है, शायद दोस्तों 30 तारीख तक यार हो जाए, वरना क्या पता है, YouTube का कोई भरोसा ही नहीं है कि दोस्तों 30 तारीख पहले बोला था फिर दोबारा 30 तारीख, कहीं ऐसा ना हो फिर तीसरी बार भी 30 तारीख बोल दे यार, कोई पता नहीं भाई YouTube भाई क्या मतलब क्या कर दे, क्योंकि यार वहां पे जज भी वही है, सब कुछ वही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस केवल हम तो वीडियो बना सकते हैं। तो भाई मेरी एक सलाह है आपके लिए कि फेस कैम वीडियो बनाइए, नंबर दो कि आपके चैनल पे जो भी वीडियो हैं जिनमें आपने कोई भी कॉपीराइट को यूज कर रखा है कंटेंट को, उन्हें वहां से हटा दीजिए, प्राइवेट पर रख दीजिए, और आप डिलीट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नंबर थ्री दोस्तों, आपने कोई भी क्लिप वगैरह ऐसी डाउनलोड करके रखी है जो कि आपको नहीं लगानी चाहिए वहां पे, उस वीडियो में आपने मगर वो क्लिप वहां पे लगा दी है, वीडियो क्लिप, तो आप उस वाली वीडियो को वहां से हटा दीजिए ताकि आपको नुकसान कोई भी ना हो, यानी कि एक बार दोस्तों मौका हाथ से छूट चुका है, मगर दोस्तों दोबारा मौका आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए,
दोस्तों एक बार गलती होती है उसे गलती कहा जाता है, मगर दोस्तों दोबारा जो गलती 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 होती है उसकी सजा तो मिलती है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मतलब गलती पे गलती मत करना। नंबर दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको तीन बात बताई अभी। नंबर चार दोस्तों, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कोई भी मतलब कंटेंट ऐसा तो नहीं है जिसपे कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर दोस्तों कॉपीराइट और आने का खतरा हो, अगर है तो उसे हटा दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे था बागी 2 एक जो मूवी आई थी, तभी मैंने एक वहाँ पे वीडियो बनाई थी कि हाउ टू डाउनलोड बागी 2 मूवी, जिसके कारण मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस सॉरी मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक आया था। शायद मुझे लगता है कि तभी मेरा चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो दोस्तों ऑफ है, ऑन नहीं हुआ है। मगर यार यहाँ पे दूसरी बात सामने निकल के आती है कि यार कई ऐसे चैनल मैंने देखे हैं जिनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक हो तो एक ही नहीं दो दो, तब भी दोस्तों उनके वहाँ पे मोनेटाइजेशन वो यहाँ पे ऑन कर दिया गया है यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको तीन चार बातें बताई हैं, तो इनको आप शायद दोस्तों फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि भाई आपका जो मोनेटाइजेशन है वो दोस्तों यूट्यूब 90% ऑन कर लेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, और आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दोस्तों अमेजिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, और दोस्तों हाँ आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई आप में से किन किन का मोनेटाइजेशन अनेबल अभी तक नहीं हुआ है और वॉच टाइम कितना हो गया है और सब्सक्राइबर आपके कितने हैं, वो चीज आपको जरूर मुझे नीचे कमेंट में आप मेंशन मुझे कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और दोस्तों अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।